स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट में वीडियो में 14.3 एक्सरसाइज की थी ऑफ चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। उसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 6 करवाया था और क्वेश्चन 7 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो अभी इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ईजी है, समझ लीजिए अच्छे से एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रैंडम सर्वे ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज फॉलोस। हमें एक सर्वे हुआ रैंडम, उसमें उन्होंने डाटा फाइंड आउट किया कि किस एज ग्रुप के कितने बच्चे पार्क में खेलते हैं। तो हमें डाटा गिवन है, 1 से 2 ईयर के एज ग्रुप के बच्चे 5 है जो पार्क में खेलते हैं, 2 से 3 एज ग्रुप के 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 to 5 एज ग्रुप के 6 स्टूडेंट्स हैं, सो ऑन अप टू 15 to 17 एज ग्रुप के 4 स्टूडेंट्स हमें 4th नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो खेलते हैं। वी हैव टू ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है, ये पूरा जो डाटा है इसको प्लॉट करना है। हिस्टोग्राम बनाने से पहले एक चीज़ देखनी पड़ेगी हमें कि ये जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं है। जैसे कि 1 से लेके 2 तक है, देन 2 से लेके 3 तक है, मतलब इन दोनों के बीच 1 का गैप है, लेकिन 3 से लेके 5 तक और 5 से लेके 7 तक 2 का गैप हो गया, और 7 से लेके 10 तक 3 का गैप हो गया, देन 10 से लेके 15 तक 5 का गैप, एंड 15 से लेके 17 तक 2 का गैप। तो ये तो यूनिफॉर्म पोजीशन में है नहीं, तो जब हम अपने रिक्टेंगल्स प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो वो तो सही से प्लॉट ही नहीं होंगे। अब इनको सही से प्लॉट करने के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी विड्थ निकालनी पड़ेगी। विड्थ निकालेंगे और उसके बाद जो सबसे कॉमन और सबसे लीस्ट क्लास साइज होगा ना, उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे और विड्थ को सबसे डिवाइड कर देंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये टेबल लिख लेते हैं। एज दी हुई है हमें और दूसरी हमें दी हुई है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसको आप फ्रीक्वेंसी ही लिखिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम सबकी एज लिख लेते हैं। एज क्या है, सबसे पहले 1 से 2 है, देन 2 से 3 है, देन 3 से 5 है, देन 5 से 7 है, देन 7 से 10 है, देन 10 से 15 है, देन 15 से 17 है। अब ये एक सही प्रपोर्शन में नहीं है, तो सही प्रपोर्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी विड्थ निकालेंगे, ठीक है। विड्थ कैसे निकालेंगे, 1 and 2 है हमारे पास, इन दोनों में कितने का गैप है, 2 में से 1 माइनस करेंगे पता चल जाएगा 1 का गैप है, देन 2 और 3 में कितने का गैप है, ऑब्वियसली 1 का गैप है, देन 3 and 5 में 2 का गैप है, 5 से 7 में भी 2 का गैप है, 7 से 10 में 3 का गैप है, 10 से 15 में 5 का गैप है, एंड 15 से 17 में 2 का गैप, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी हमें सबकी गिवन है, इसकी है 5, देन है 3, देन 6, देन 12, देन 9, देन 10 एंड देन 4, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ रिक्टेंगल। लेंथ ऑफ रिक्टेंगल क्या है, जो हमें रिक्टेंगल प्लॉट करना है, हिस्टोग्राम बनाना है ना, तो उस पर जो हमें रिक्टेंगल प्लॉट करना है उसकी लेंथ निकालनी है। उसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखना। सबसे पहले है हमारे पास 5, फ्रीक्वेंसी है 1 से लेकर 2 तक की, यहाँ पे लेंथ ऑफ रिक्टेंगल निकालते हैं, हमारे पास 1/2 है और फ्रीक्वेंसी है 5 और विड्थ है 1, और लेंथ ऑफ रिक्टेंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ जो उसकी है माइनस सबसे लीस्ट विड्थ, कौन सी है सबसे लीस्ट, विच इज 1, क्लियर। सबसे लीस्ट विड्थ 1 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, क्लियर। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है हमारी फ्रीक्वेंसी 2 से लेके 3 तक, सॉरी एज ग्रुप है 2 से लेके 3 तक, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 3 और विड्थ है 1। तो इसकी जब हमने लेंथ ऑफ रिक्टेंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसका लेंथ ऑफ रिक्टेंगल, सेम फ्रीक्वेंसी अपॉन उसकी विड्थ मल्टीप्लाई बाय जो लीस्ट हमारा कॉमन है, लीस्ट कॉमन विड्थ वो कौन सी है 1, इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एज ग्रुप 3 से लेके 5 तक, क्लियर। उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी है 6 और विड्थ है हमारी कितनी है उसमें 2 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी लेंथ ऑफ रिक्टेंगल कैसे निकालेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी 6 अपॉन विड्थ, विड्थ कितनी है इसकी 2, इंटू
जो सबसे कॉमन है हमारा, सबसे छोटा और सबसे कॉमन विथ, वो कौन सी है? वन. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? थ्री. थर्ड है, फोर्थ है हमारा 5 to 7 एज ग्रुप के लिए. 5 to 7 एज ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 12 और विथ क्या है हमारे पास? 2. एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी फ्रीक्वेंसी जो कि है 12, विथ क्या है 2 और लीस्ट क्लास मार्क क्या है हमारा 1 और इज इक्वल टू किस, इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल. कटिंग करेंगे तो नेक्स्ट है हमारी 7 से लेके 10 तक के लिए. फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 9 और विथ क्या है हमारी 3 और उसकी भी हम सॉल्व कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी जो कि है 9 अपॉन विथ मल्टीप्लाई बाय जो सबसे लीस्ट क्लास मार्क है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 3. जो सबसे लीस्ट विथ है उससे मल्टीप्लाई करवाना है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 10 से लेके 15 तक. 10 से लेके 15 तक हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 और हमारी विथ क्या है? 5. तो सॉल्व कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी अपॉन विथ मल्टीप्लाई बाय सबसे कॉमन, हमारी जो सबसे लीस्ट विथ है वो, दैट इज़ 1 और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारी 15 to 17, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 और विथ क्या है हमारे पास? 2. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी जो कि है 4 अपॉन विथ जो उसकी अपनी विथ है 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास सबसे लीस्ट विथ क्या है? 1. तो इसको सॉल्व करके भी क्या आ जाएगा? 2. क्लियर. अब ये है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स, मतलब ये हमारी आ गई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज जो अब हमें प्लॉट करनी है. तो चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं हम. सो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करनी होगी. तो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस. क्लियर. सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस और यहाँ पे है हमारे पास, इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये एक जीरो पॉइंट है, वहाँ पे कट रही है. तो हम सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पे. तो एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे एज. क्या प्लॉट करेंगे? एज इन ईयर्स. और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी. क्लियर. अब स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं. तो हम एज ग्रुप भी कहाँ से लेंगे? 1 2 से, बिकॉज हमारी 1 से स्टार्ट है और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो भी हम 1 2 से लेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अभी यहाँ से इरेज करना पड़ेगा बिकॉज हमें आगे तक चाहिए. सो मुझे 17 तक चाहिए बिकॉज मेरी 17 है मैक्सिमम एज यहाँ पे. 15 16 17 और ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस क्लोज. अब यहाँ पे भी मेरे को मेरी यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम यहाँ पे तो 12 तक है लेकिन हमें ये वाली उठानी है तो ये 6 तक है. तो हम 1 2 का गैप इसमें छोड़ सकते हैं. 2 3 4 5 एंड 6. क्लियर. 2 का गैप छोड़ के मैंने इसको भी प्लॉट कर दिया. क्लियर. अब नेक्स्ट हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट है 1 से लेके 2 एज ग्रुप, यानी कि दिस यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके 2 एज ग्रुप पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? हमारे हैं 5. तो हम 5 तक प्लॉट करेंगे इसको. तो यहाँ पे हमारे पास 5 ये 1 ये है 2 और ये हो गया हमारा 5. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास 2 से लेके 3 तक विच इज 3. सो 2 से लेके 3 तक है हमारे पास 3. तो ये 2 से लेके 3 एज ग्रुप हो गई, ये हो गया 3. नेक्स्ट है हमारे पास 3 से लेके 5 तक.
दिस इज 3 एंड दिस इज 5 और उसका भी है हमारे पास 3 तक की, तो हम 3 से लेके 5। नेक्स्ट है 5 to 7, 5 to 7 है हमारे पास 6, तो 5 से लेके 7 तक हमारा 6 तक जाएगा जो कि सबसे मैक्सिमम है। सो ये हो गया हमारा 5 से लेके 7 एज के चिल्ड्रन के लिए, विच इज 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। सो दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 3। नेक्स्ट है हमारा 7 से लेके 10 तक के लिए, सो 7 से लेके 10 तक हमारे पास कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 3। सो ये 7 से 10 एंड दिस इज 3। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 10 to 15, 10 to 15 एक ग्रुप के लिए हमारे पास 2 स्टूडेंट्स है, सो दिस इज 10 एंड दिस इज 15 एंड हियर इट इज 2। सो ये हो गया हमारा 10 से लेके 15 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए विच इज 2। एंड नेक्स्ट हमारा 15 से लेके 17 वो भी हमारा है 2। सो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम, हम इसको शेड भी कर सकते हैं। क्लियर। सो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम जो हमें प्लॉट करने के लिए बोला गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो सेम एज इट इज इसी के जैसे है, वो आप लोग खुद कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ऐसे ही, उसका भी हमने बनाना है, सेम एज इट इज़ करना है, बिकॉज उसकी भी जो हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम है आप लोग वो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स तो लास्ट हमने किया 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9th इज योर होमवर्क। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.4। सो एक्सरसाइज 14.4 में हमने सिंपल मीन मीडियन मॉड निकालना है। मीन मीडियन मॉड क्या है चाहिए, आप इंट्रोडक्शन वीडियो चेक कर लीजिए जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सेंड की थी, उसमें इसके फॉर्मुलेस भी मैंने आपको लिखवाए थे, सब समझाया था। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। टोटल 10 मैचेस हुए और कितने गोल्स एक टीम ने मारे, हमें गिवन है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। हमें इनका मीन मीडियन मॉड निकालना है इन स्कोर्स का। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन होता क्या है, मैंने आपको समझाया था, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सो मीन निकालना सिंपल फॉर्मूला है मीन का, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब हमें इनको काउंट करने की कितनी है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है। क्लियर। तो अब हम सबको हमें इन सबको ऐड करना है, 2 + 3 + 4 + 5 + 0, इन सबको ऐड करना है, ऐड करके आपके पास आ जाएगा 28/10। क्लियर। सो 0 का बीच में पॉइंट लग जाएगा तो मेरा मीन जो है वो कितना आ जाएगा, 2.8। क्लियर। ये आ गई मीन की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे इसी क्वेश्चन का हमने निकालना है मीडियन। तो अब मीडियन निकालते हैं हम। मीडियन क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, और इसकी दो टर्म्स होती हैं, एक होती है ऑड एंड एक होती है इवन। तो मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले हमें इनको असेंडिंग फॉर्म में करना होगा इस टर्म को। असेंडिंग फॉर्म मीन्स छोटे से लेकर बड़े तक। तो सबसे छोटा है हमारे पास 0, देन 1, देन 2, देन 3। 3 भी हमारा 3 टाइम्स है, तो तीनों बार हम पहले 3 लिखेंगे, 3 टाइम्स नहीं, 1, 2, 3, 4 बार है तो 3 लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 4, 4 भी हमारा 2 टाइम्स है, एंड लास्ट इज 5। तो 10 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टर्म्स हो गई। अब सब 10 टर्म्स हैं तो n इज इक्वल टू 10।
तो ये तो इवन हो गई। अब अगर इवन है तो इवन टर्म के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एन अपॉन टू एंड एन अपॉन टू प्लस वन, ये दो ही फॉर्मूले हैं हमारे ऑब्जर्वेशन आर। क्या ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, एन इज द टेन, सो टेन अपॉन टू एंड टेन अपॉन टू प्लस वन, सो टेन अपॉन टू क्या हो जाएगी फाइव, एंड फाइव प्लस वन, यहाँ पे भी फाइव प्लस वन हो जाएगी, दैट इज फाइव एंड सिक्स टर्म, मतलब कि फिफ्थ एंड सिक्स टर्म हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मीडियन होगा। तो फिफ्थ एंड सिक्स टर्म क्या है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमने पहले उठानी है एंड उसके बाद हमने उठानी है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, क्लियर। सो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, वन टू थ्री फोर फिफ्थ, ये होगी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन विच इज़ थ्री, और नेक्स्ट होगी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, वो भी क्या है थ्री, ठीक है। ये आ गई हमारी फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन क्या होगा हमारा, मीडियन क्या होगा, इन दोनों का सम अपॉन टू, टू क्यों, क्योंकि टू टर्म्स हैं, सो थ्री प्लस थ्री सिक्स अपॉन टू, तो दोनों की कटिंग करवा के क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर थ्री, तो हमारा मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मीडियन इज इक्वल टू थ्री, क्लियर। अब हम करेंगे, हम इसी क्वेश्चन का हमने करना है मॉड, सो मॉड कैसे करेंगे हम, मीन कर लिया हमने, मीडियन कर लिया, अब करेंगे मॉड। मॉड क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, मॉड होती है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले हमें टेबल बनाना होगा मॉड के लिए, एक साइड हम लिखेंगे इसमें स्कोर और दूसरी साइड हम लिखेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी, क्लियर। स्कोर मेरे पास क्या क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ज़ीरो है मेरे पास, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, यहाँ तक ही है मेरे, फाइव तक ही है स्कोर, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितनी बार आए हुए हैं। अब ज़ीरो कितने टाइम आया है, वन टाइम आया है, वन कितने टाइम आया है वो भी वन टाइम आया है, टू कितने टाइम आया है वो भी वन टाइम आया है, अब थ्री कितने टाइम आया है, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स आया, तो थ्री की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फोर, और फोर कितने टाइम आया है, टू टाइम्स आया, और फाइव कितने टाइम्स आया है, टेन टाइम्स, और टोटल हमारी कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, टेन फ्रीक्वेंसीज हैं, क्लियर। और मोड, मोड क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोड क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी है फोर, और फोर किसकी फ्रीक्वेंसी है, थ्री की, क्लियर। सो मॉड क्या हो जाएगा हमारा, मॉड इज इक्वल टू थ्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो एज इट इज क्वेश्चन नंबर टू है सेम, आपको क्वेश्चन नंबर टू में भी यही करना है, मीन मीडियन एंड मॉड निकालना है, आपको ऐसे ही स्कोर्स गिवन होंगे, तो क्वेश्चन नंबर टू आप खुद करिएगा।